हो फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में. सो जो मेन टॉपिक हम आज के लेसन में कवर करेंगे वो होगा एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स. सो यहाँ पर आपके लिए कुछ वार्म अप क्वेश्चंस हैं. आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं. सो कंग्रेचुलेशंस अगर आपके दोनों आंसर्स करेक्ट हैं. आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल्स के बारे में. अगर बात करें एडजेसेंट एंगल्स की, सो उनमें कॉमन वर्टेक्स यानी कि कॉमन कॉर्नर होगा, एक कॉमन आर्म, पर कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. अगर बात करें फर्स्ट डायग्राम की, सो अगर हम देखें यहाँ पे हमें दो एंगल्स दिख रहे हैं, एंगल वन एंड एंगल टू. कंपेयर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो कॉमन वर्टेक्स. अगर हम ध्यान से देखें शेप में, एंगल वन का वर्टेक्स है ये पॉइंट और एंगल टू का वर्टेक्स है पॉइंट ए. सो दे डोंट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकते. बात करते हैं सेकंड शेप की. अगर हम सेकंड शेप में देखें तो हमें कॉमन वर्टेक्स है ए, एक कॉमन आर्म है, पर वहाँ पर एक कॉमन इंटीरियर पॉइंट भी है जो कि हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये पेयर ऑफ एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल्स नहीं होगा. बात करते हैं थर्ड शेप की. सो अगर हम ध्यान से देखें शेप में, इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है पॉइंट ए, एक कॉमन आर्म है जो कि बीच से जा रही है, पर कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल टू एंड एंगल फोर आर एडजेसेंट एंगल्स. आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में. सो अगर बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, सो वो तब फॉर्म होते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. अगर हम बात करें लाइन एक्स वाई और ए बी की, सो वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर. सो हम कह सकते हैं कि एंगल वाई ओ बी इक्वल होगा एंगल ए ओ एक्स के, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं एंड इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं. सो अगर हम माने कि जो ये एंगल वाई ओ बी था वो 115 डिग्रीज था, सो एंगल ए ओ एक्स भी 115 डिग्रीज ही होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं और इसीलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. उसी तरह अगर हम बात करें एंगल वाई ओ ए की, उसका जो वर्टिकली अपोजिट है वो है एंगल बी ओ एक्स, आई एम सॉरी. सो ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल होगा वो होगा 65 डिग्रीज. सो जो अपोजिट है इसके वो भी होगा 65 डिग्रीज. आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लीनियर पेयर्स के बारे में. अगर हम पढ़े लीनियर पेयर के बारे में, सो हमें पहले पता होना चाहिए कि रे क्या होती है. अगर बात करें रे की, सो रे एक तरीके की लाइन है जहाँ का जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है पर उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक रे यहाँ से स्टार्ट हो रही है. अगर हम कहें कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, नाम दे देते हैं उसे ए, पर उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, सो ये कहलाती है रे. अगर कोई भी एक रे एक स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्रीज के एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, सो वो जो दो एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्रीज होगा. आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. आप प्लीज वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं एंड आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं एंड उसके बाद अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं. एंड कंग्रेचुलेशंस अगर आपके सारे आंसर्स करेक्ट हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर प्लीज़ विजिट justtutors.com.